मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, मीन्स के मैं ट्यूशन भी पढ़ता था, स्कूल भी जाता था, जॉब भी करता था। रात के पता कितने बजे आता था, जिनके हस्बैंड काम करते हैं और कितने कितने बजे रातों को आते हैं, अगर शाम को जाते होंगे, 4-5 बजे से पहले मैं नहीं था आता, यकीन करो कि 4-5 बजे से पहले। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आरपी। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, और आज का व्लॉग हमारा मीन्स के मेरे करियर के बारे में होने लगा है, और इन पास्ट जो हुआ है वो क्या रहा है मेरा पास्ट में, और मैं क्या करता था, मेरी कितनी स्ट्रगल थी, और मैं क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, और क्या चीज़ लॉस की है इन 3-4 सालों में, तो मैं आपको बताता हूँ। सो मैं जो ना अपने 3 साल और समथिंग 6 महीने मैंने लॉस्ट किए हैं अपने पबजी मोबाइल में, जो कि आई थिंक सो कि मेरे जो लाइफ में फ्यूचर था, मैं 3 साल में बहुत कुछ कर सकता था, ऐसा नहीं है, और बहुत कुछ कर रहा था, और उसकी वजह से मैं कर नहीं पाया यार, ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे आप पबजी को लेकर बदनाम करें, नहीं, मैं उसको ब्लेम नहीं दे रहा, इंसान के खुद पे माइंड पे होता है क्या वो इस चीज़ को कितना सीरियस लेता है और कितना उसकी तरफ फोकस करता है। सबसे पहले तो जैसे कि मैं जो ना स्टार्टिंग में अपनी मैट्रिक की और 9 की बात बताता हूँ, मैं 9 और मैट्रिक में ना बहुत स्ट्रगल करता था, बहुत ज़्यादा। कैसे स्ट्रगल करता था मैं पता क्या करता होता था आप लोगों को बताता हूँ। सुबह मतलब कि हमारा जो ना इवनिंग टाइम स्कूल लगता होता था ना, 1 बजे 1:30-12 बजे ऐसे लगता होता था, 1 बजे से पहले 10-15 मिनट पहले हमें जाना होता था, तो ऐसा था ना, तो हम 12:30 बजे तक चले जाते थे। अब वो जाने के पीछे मेरी स्ट्रगल आप देखना, सबसे पहले जो ना मुझे सुबह उठना था, पहले क्यों उठना था मुझे, मुझे जाना था ट्यूशन, ट्यूशन में जाता था 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, सही, 9:30 बजे हमारा सर आता था, यहीं पर आता था घर पर पढ़ाने के लिए, वो 9:30 बजे हमें पढ़ाते थे, 11:30 बजे ऑफ होता था हमारा वहाँ से ट्यूशन से। फिर उसके बाद मैं आता था, नाश्ता करता था, नाश्ता करके सीधा स्कूल की तरफ, स्कूल से 12:30 बजे मैं जाना, ठीक है, वहाँ पहुँच जाता था, या कभी कभी लेट भी हो जाता था, ऐसा था, और लेट तो हम बहुत ज़्यादा खुद भी होते थे, आप लोगों को पता ही होगा लड़कों की लाइफ क्या होती है, तो हम 200 जो ना पता क्या करते, सब इकट्ठे होकर जाते थे, उसके घर से गए, उसको लिया, उसके घर से गए, उसके लिया, ऐसा होता था सबको लेकर, फिर आराम से 1 बजे से 5-10 मिनट पहले पहुँच जाते थे। स्कूल के बाद ऑफ होती होगी तो आप लोग बोलते कि इसने सुबह में ट्यूशन तो पढ़ लिया लेकिन शाम के टाइम क्या करता होगा, एक बात है, नॉर्मल से इंसान सोचता है कि चलो इस उम्र में यही होता है, इंसान ने बस ट्यूशन पढ़ लिया, स्कूल चले गए, बस उसके बाद इंजॉयमेंट घूमते, नहीं, मैं क्या करता था आपको पता है, मैं हेड क्लास में भी जॉब किए, मैं जो ना जॉब करता होता था, और अब मैं 5:30 बजे तक जो ना घर आना था, कोशिश करता था जल्दी आ जाऊँ, 5:00 बजे 6 बज जाते थे मुझे, क्योंकि बस में आते होते थे हम उस टाइम पर, तो बस में आता था 6 बज जाते थे, तो शाम के ना मुझे कम से कम जो ना 7 बजे तक वहाँ पहुँचना होता था कि लेट ना हो जाए, ताकि मेरी सैलरी ना कट जाए। अब मैं आते ही यहाँ पे घर पे 6 बजे खाना खाया फ़ौरन से, जल्दी जल्दी से खाना खाया, तो उसके बाद क्या करते थे, निकल गए, 6:30 भी हो जाते थे, तो 6:30 से मीन्स के 7 भी बज जाते थे, लेट भी हो जाते थे, सैलरी भी 1-2 दफ़ा कटी है, लेकिन वो हमारी नहीं थी, काटते मेरे साथ वाले की काट देते थे, इसी वजह क्या थी कि हम काम अच्छा करते थे, हम 3 लड़के होते थे तो काम अच्छा करते थे, ऐसी बात नहीं, हम लोग 2 लड़के अच्छे करते थे, एक जो ना थोड़ा करता होता था, तो इसलिए मैनेजर से हमारी बहुत अच्छी बात थी। फिर मेरे पेपर होते थे, फाइनल पेपर, मैं फाइनल पेपर में भी जो ना जॉब करता होता था, फिर मम्मा मुझे बोलते थे नहीं छोड़ दे छोड़ दे, मैं बोलते चलो कह रहे थोड़ा बहुत आते ही यार मैं अपना, चलो ये कि स्कूल का किराया वगैरह और ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ, या अपनी कुछ चीज़ें होती थी वो ले लेता था, अपने भी उड़ाता था, तब भी शुरू से मेरी आदत है मैं अपने भी उड़ाया, मम्मा लोग को भी देता था, ऐसा नहीं था, लेकिन उस टाइम पर मैं जो ना बहुत ज़्यादा मीन्स के 9 मैट्रिक में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं, अभी आगे थोड़ा आड्रम हो गया, ठीक है, 9 मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, मीन्स के मैं ट्यूशन भी पढ़ता था, स्कूल भी जाता था, जॉब भी करता था, और रात के पता कितने बजे आता था, आप ये भी बोलते कितने बजे आता होगा, आपको पता होगा जिनके हस्बैंड काम करते हैं एज अ शेफ, और कितने कितने बजे रातों को आते हैं, अगर शाम को जाते होंगे, 4-5 बजे से पहले मैं नहीं था आता, यकीन करो कि 4-5 बजे से पहले सुबह सुबह घर आता था, फिर सोता था, फिर नहाता था, 9:30 बजे उठना होता रहता था, तो ट्यूशन से भी कभी कभी लेट हो जाता था, ऐसी नहीं बात कि पूरा उठ के टाइम पे चला जाता था, ऐसा नहीं था, कभी कभी तो सर आगे बैठ जाता था, हाँ भाई क्या मसला है, क्यों, उनको पता था ये स्ट्रगल कर रहे, जॉब भी करते, तो आप सोचो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, अगर मैं सुबह वहाँ से 4:30 बजे निकलता हूँ, घर पे 5 बजे आता हूँ, तो नींद भी पूरी नहीं थी, फिर सुबह उठ के फिर ट्यूशन, फिर स्कूल से फिर सीधा काम, तो ऐसा नहीं है, मेरी स्ट्रगल बहुत अच्छी रही है मैट्रिक तक, जो ना मैं मेरे ख्याल से मैंने 2016 में जो ना कर ली थी मैट्रिक, ना मैट्रिक कर ली 17 में मैंने जो ना एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद हमारी जो ना लाइफ स्टार्ट होती है कॉलेज की, कॉलेज की लाइफ स्टार्ट होती है और फर्स्ट ईयर की होती है, और मैं था इंजीनियरिंग में जो ना मैंने कोर्स किया था, मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती लगवाया, ऑटो टेक्नीशियन में लगवाया था मुझे, जो कि मम्मा बोलती चल बेटा तू बन जाएगा कुछ ना कुछ बन जाएगा, 3 साल का वो कोर्स था, 1 साल मैंने धक्का मार के कैसे कैसे किया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेरा एक दोस्त आता है लाइफ में,
तो मुझे बोलता है यार, उस टाइम पे ना नया नया टिकटॉक भी बहुत चला था, 2017 की बात है, और उस टाइम पे पबजी आए हुए ना 3-4 महीने हुए थे। तो उस टाइम मैंने इंस्टॉल की 2017 में जो ना 7वां या 8वां महीना था, इसमें जो ना मैंने ज्वाइन की पबजी ज्वाइन की। उसके बाद मैं जो ना 2021 तक मैं लगातार पबजी खेलता रहा और ऐसे ही खेली, मीन्स के मैं क्या ही बोलो यार, ऐसा हुआ था कि मैं जो ना कॉलेज में जो ना पबजी लगाई, फर्स्ट टाइम लगाई थी कॉलेज में ही, बैठ गई एज अ क्लास, हमने बंक मारा वहाँ पे जो ना साइड पे बैठ के कहीं छुप के ना थोड़ी सी खेली मैंने, मेरे को अच्छी लगी, मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी गेम है यार। तो फिर क्या होता था, फिर तो होता नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, खेल रहा हूँ, लड़का मुझे बोलता है यार ये अभी चल रहा है टिकटॉक पे ना, तब चलता रहा पबजी या टिकटॉक। मैं टिकटॉक भी बनाता था ओप्पो के फ़ोन से, सिस्टर का फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है। तो मम्मा को मैंने ज़िद किया था कि मैं तब जो ना कॉलेज लगूंगा जब आप मुझे आईफोन लेकर दोगे। मम्मा ने मुझे iPhone 6s लेकर दिया कि नहीं बेटा तू कॉलेज कर, तू पढ़ने जा। मैंने बोला ठीक है। वो iPhone 6s महंगा इतना मुझे पड़ गया, मैं उस चक्कर में पढ़ने के चक्कर में मेरे जो ना कुछ सबमिट होते थे वो जो ना नेट से निकाल लेते थे। तो मम्मा बोलती थी तेरे को मैंने इसलिए लेकर दिया कि तू जो ना सारे काम करे, अपने पढ़ाई में ध्यान दे, तो ये नहीं कि तू पबजी में घुस जाए। अब उनको नहीं था पता कि इतनी गंदी चेस से यार कोई, मैं गुस्सा मैं कॉलेज से जैसे ही आता ना, मैं आते सॉरी सबसे पहले क्यों किया, पबजी ऑन की। खाना मम्मा मेरे पास रख दी, मम्मा बोलती खाना क्यों नहीं खाता, क्या वजह तेरी। तो मैं बोलता ना नहीं थोड़ी सी गेम खेलने एक दो फिर खा दो। वो ऐसी गेम में लत पड़ी ना, यकीन करो 2021 में जाके वो मेरी गेम की लत ख़त्म हुई। और आप लोगों को पता है मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया था 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इतनी स्ट्रगल की, मीन्स के इतनी वीडियो नहीं थी डाली, कोई ऐसा होता ना जैसे अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ खाली आप लोग के प्यार के लिए। अभी मुझे प्यार मिल रहा, पहले मुझे प्यार नहीं था मिलता, पहले कोई पूछते नहीं था, तो मतलब कि जो जानने वाले थे वही देखते थे। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, उस टाइम पे मैंने देखा, अभी की बात नहीं मैं बता रहा, बहुत टाइम पहले की। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो मेरा यूट्यूब चैनल आज भी है, उसका लिंक भी है मेरे पास, और वो वीडियो भी है 3-4 जो मैंने डाली हुई है। तो मेरे लॉस्ट हुए इतने साल इस चक्कर में, काश अगर मेरी मम्मा जैसे मुझे बोल रही थी आज इंजीनियरिंग मेरी कपिड़ हो जाती अगर मैं करता तो, की नहीं, इसी चक्कर में छोड़ दी। वो ऐसा इंटरेस्ट पहला ऐसा मैं रोज़ खेलता रहता था, दोपहर को बैठ के खेलना, शाम को बैठ के खेलना, फिर पूरा दिन खेलता रहता था। मैंने छुट्टियां बहुत करता रहा, मैं बोलता था यार आज दोपहर में जो ना पबजी खेलूँगा, मैं जो ना कॉलेज से छुट्टी करके बैठ जाता फिर पूरी दोपहर को। मम्मा मुझे बोलती है हाँ भाई गया नहीं, मैं बोलता था ये वो बहाने, जैसे आप लोगों को पता मारते हैं बच्चे, मैं ये पेड़ में दर्द थी वो थी, आए दिन ऐसी छुट्टियाँ करते। फिर इंसान पता है छुट्टियाँ करता रहता है ना तो उसके दिल में आता है यार अब छुट्टियाँ ही करता रहूँ, क्योंकि वो लाइफ ऐसी होती है। अब फील होता है कि यार नहीं यार क्यों ऐसे करते थे, अब फील होता है। तो अगर इंसान चले जाता रहता था ना, फिर इंसान बोलता था यार एक दिन भी ना छोड़ूँ जाता रहूँ, तो ऐसा सीन था। वो छुट्टियाँ ऐसी मैंने की हैं, मैंने कम से कम 3-4 छुट्टियाँ की हैं, उसके बाद मैं छुट्टियों पर छुट्टियाँ, फिर मेरे मैसेज आते रहे कॉलेज से कि आप लोग बेटा कब ज्वाइन कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ, ये वो फलान टमकान, बड़े मैसेज आए, फिर जा ही नहीं पाया वो, बस उसके बाद नहीं गया। तो उसके बाद फिर मैं घर बैठा, फिर जॉब वगैरह की मैंने छोटी मोटी बस। इनफैक्ट कोई अगर कोई हमारे रिलेटिव भी आते थे ना तो मैं उनको भी नहीं था देखता इतना, इसी कमरे में यहाँ पर बैड होता था, बस बैठ के खेल, वो मुझे देखते रहे रोमियो आवाज़ें मारते, मैं खाली पबजी में घुसा हूँ ऐसा खेलता था। और अब तो शुक्र है मैंने बहुत कम कर दिए, क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत सारे ईयर जो ना ऐसे वेस्ट किए। फिर मुझे लगा कि नहीं यार इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए थोड़ा सा, कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैंने कॉलेज लाइफ छोड़ दी, अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिट थी। तो फिर उसके बाद कुछ और चीज़ों में घुस गया, तो बहुत ही मतलब कि ये बैड सीन रहा इसको लेकर। और ऐसा नहीं है, वाकई काफ़ी लोगों की जो ना इस चक्कर में जो ना लाइफ ख़राब हुई होगी, और नहीं भी मेरा ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बोलता था कि मैं उस चीज़ से फेम लूँ, लेकिन वैसे ही खेलता था, एक शौकिया तौर पर खेलता था ना, कि उसके मैंने जो ना यूज़ किया कि इधर वीडियो डालूँ उधर वीडियो डालूँ अपनी गेम प्ले दिखाऊँ, नहीं, बस ऐसी एक चस होती है ना जो इंसान को वो होती, तो वही खेल खेल के बस अपना मैंने 3 साल ज़ाया कर दिए, 3 साल से भी ज़्यादा 3 साल 6 महीने सॉरी। तो बस ये पास्ट मेरा जो ना बहुत गंदा रहा, इसके वजह से मैं थोड़ा सा जो ना पीछे हट गया था, और तो पढ़ाई से भी रह गया था, फिर दिल ही नहीं किया उसके बाद पढ़ने का, फिर एकदम से लाइफ में पूमी आती है, तो उसकी वजह से मेरे को लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आई फिर, और मैं सारी चीज़ों से दूर हो चुका। फिर अभी मेरे को जो अभी मैं ये नहीं कि जॉब कर रहा था उस टाइम पे, पोमी भी आपको पता कुछ भी नहीं करती होती थी, कुछ भी नहीं, इसके पास ना यूट्यूब था ना टिकटॉक था, हमारी वैसे ही बस नॉर्मली बात हुई थी, कहाँ पर हुई थी वो हम तो आपको पता ही कब बताएंगे, अभी नहीं बताऊँगा।
तो बस वो तो उस टाइम पे हम लोग एक दूसरे को जानना स्टार्ट हुए, फिर आगे आगे बात हुई। मैं उस टाइम पे जॉब करता था, इसको भी जॉब से अक्सर जो है ना कभी कभी लेने चले जाता था ऐसे, तो बहुत बहुत कभी कभी जैसे मेरी ऑफ होती थी, फिर ऐसे नहीं कि वैसे मैं खुद ही इतना बिजी रहता था कि जल्दी सो जाता था जॉब से आगे। उस टाइम पे मैं बास्किन में काम किया, उस टाइम पे मैं बास्किन और होटल स्पाइस में जब ये आई थी मेरी लाइफ में, दो जगह मैंने काम किए। तो अभी मैंने ब्रॉडवे से काम छोड़ा है, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा सबको बता होगा, थोड़ा टाइम हुआ है, वो भी व्लॉगिंग की वजह से यार, क्योंकि अभी मेरे पास ये है थोड़ा एक ऑप्शन है। और उसके बाद एक मेरा साइड बिजनेस मैं सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने सोचा हुआ है, और वो अभी नहीं थोड़े टाइम बाद खोलूँगा जब मेरे पास पोमी आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा अगर मैं इस चीज़ में घुस गया ना। तो मैं सोचा हुआ है और मैं करूँगा, और आप सब ने ना अपनी दुआओं में याद रखना है। और बस आज का व्लॉग हमारा यही तक था और हमारी स्टोरी यही थी। और कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी आप लोग बताना, और किस किस के साथ हुआ है। अगर कोई मेरा थंबनेल देखकर आया है पबजी वाला, और ऐसा नहीं, बहुत सारे लड़कों के करियर बर्बाद भी हुए हैं और करियर सेफ भी हुए हैं, उनके बने हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेम में ले लिया और जिनके पास फेम आ गया, जिन्होंने अपना खाया, अपनी गेम प्ले दिखा के अपना यूट्यूब चैनल खोला, अर्निंग की, उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो लॉस में गया ना, जिनको लॉस हुआ लॉस हुआ, जिनको बेनिफिट हुआ बेनिफिट हुआ। तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक ही, उम्मीद करता हूं पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग, मुझे गुस्सा हो रहा है। शेयर करो, लाइक करो। तो मिलते हैं अच्छे के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।